तो दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग सभी लोग का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसको मैं मेरा वेबसाइट www.stocktradingadvisor.wordpress.com में मैंने डिस्प्ले करता हूँ और उसी का थ्रू मैं व्यू देता हूँ और कुछ एडुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए मैं शेयर करता हूँ, तो उसी को थ्रू फिर से दिखाता हूँ। फिर से स्क्रीन कर लेते हैं। इसमें डाटा में जाकर फिल्टर लगाइए। मैंने बोला है कि पहले प्रोबेबिलिटी को फिल्टर कर लेते हैं। मैं आज सेल साइड में देखना चाहता हूँ, तो इसको स्किन कर लेगा। सेल साइड में देखिए प्रोबेबिलिटी 2 भी चला आया है। उसके बाद इधर देखता है, प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, इसमें मूवमेंट अच्छा रहेगा। और देखते हैं EMA का क्रॉसओवर हो चुका है और बोलिंजर बैंड मिडिल बैंड का क्रॉसओवर हो चुका है। हाँ, मिडिल बैंड का क्रॉसओवर हो चुका है। लोअर बैंड का छोड़ देता हूँ। लोअर बैंड में फिर अंदर आ जाता है, आपको पता होगा। MACD को पढ़ लेते हैं स्क्रीन और RSI को पढ़ लेते हैं और देखिए इधर इंटरडे का हिसाब से पिवट पॉइंट और S1 का बीच में है। 15 डेज का हिसाब से 5 डेज का हिसाब से है। ये सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है। सिंपल एवरेज 5 का नीचे है, 15 का नीचे है, 5 15 का ऊपर है, 30 का भी है, 30 15 का ऊपर है, मतलब 5 15 30 का क्रॉसओवर भी हो चुका है। लॉन्ग टर्म का छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म देखना नहीं का ज़रूरत नहीं है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चेंज इन प्राइस, तीनों में नेगेटिव चेंज इन प्राइस दिखा रहा है। इधर देखिए इसको वैल्यू आपको इधर दिखेगा नेगेटिव, कितना नेगेटिव है ये और ये और वॉल्यूम भी नेगेटिव है। एक दो है वो दो एक निकल जाएगा, तो इसलिए रखता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है पॉजिटिव। ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव है। लास्ट जो ओपन इंटरेस्ट है उस तीनों में नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आप ब्लैक में लीजिए, ये तीनों आप नोट कर सकते हैं। इसका ये इसका तो मैं आप लोग कैश फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसको सोच लीजिए, इसका LTP जो अभी 1393 कितना है, 1393 मतलब ये पिवट पॉइंट का ऊपर है, तो इसे सेल का टारगेट है 1390। तो 1300 इसमें इसका अंदर मतलब इसमें आप लोग पिवट पॉइंट सॉरी 1393 में इसका पिवट पॉइंट है और इसका LTP है 1393। इधर जो सेल का सिग्नल है 1390, तो 1399 का ऊपर भी आप लोग बाई कर सकते हैं। इन्हें इसको मैंने चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, इसको पहले एक ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ। इसको HDFC बैंक आया है, तो HDFC बैंक इसलिए मैंने ऑप्शन चेन में खुल के रखा हूँ। देखिए HDFC बैंक का ये 30 अगस्त का देखिए इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस डिक्रीज हुआ है और कॉल साइड में और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है, तो यूजर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कॉल साइड में और प्राइस कम है और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है। कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ, टाइम होगा तो।